हाय फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ए बोर्ड एंड दिस इज शिल्पी कंचन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोल्ट मंथली करेंट अफेयर्स और ये इस वीडियो का पार्ट थ्री है पार्ट वन और पार्ट टू में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ सो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो और आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का पार्ट थ्री ओके सो बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं सो so आज हम शुरू करेंगे अपॉइंटमेंट्स के साथ में कृष्णन एस अपॉइंटेड ई एट कैनरा बैंक सो देखिए कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक गॉट मर्ज्ड और इसमें जो एंकर बैंक है वो है आपका कैनरा बैंक सो अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कहां पर सिंडिकेट बैंक में आफ्टर मर्जर उन्होंने सेम पोजिशन होल्ड करी है कैनरा बैंक में ओके okay? इसके अलावा एल वी प्रभाकर इज द एमडी एंड सी ईओ ऑ ऑफ द्वाइंट वेंचर दैट इज कैनरा बैंक सो आपको दोनों याद रखने हैं कि यहाँ का एम डी सी ईओ कौन है और यहाँ के नई ईडी कौन बने हैं कृष्णन अपार्ट फ्रॉम दिस कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बैंगलोर में और इसकी टेग लाइन है और बैंक का नाम है केनेरा सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर इन दिस वे लक्ष्मी नारायणन डी नेम्ड एम डी ऑफ सुंदरम होम फाइनेंस सो सुंदरम फाइनेंस की एक सब्सिडियरी है सुंदरम होम फाइनेंस ठीक है ये हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र में काम करती है इसके नए एमडी बने हैं लक्ष्मी नारायण डी इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस का हेडक्वार्टर है चेन्नई में नेक्स्ट है जस्टिस रजनेश ओसवाल सोन इन एज परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का जो हाई कोर्ट है उसके परमानेंट जज बनाए गए हैं जस्टिस रजनेश ओसवाल ओके नेक्स्ट हम देखते हैं सेबी होल टाइम मेम्बर माधवीपुरी बुज गेट सिक्स मंथ एक्सटेंशन सो सेबी की एक होल टाइम हैं माधवी पुरी बुच। अब इनका जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया है वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी ओके सो दैट इज वाई इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनका जो टर्म है उसको सिक्स मंथ के लिए एक्सटेंड करा है सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी नेक्स्ट है नेस्कॉम अपॉइंट्स इम्फोसिस प्रवीण राव एज चेयरमैन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि नेम का फुल फॉर्म क्या है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज इन्होंने यू बी प्रवीण राव जो कि इंफोसिस के सी हैं ठीक है उनको नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अब डोंट कंफ्यूज बिटवीन चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट नेम के प्रेसिडेंट हैं देवजनी घोष सो so, देवजनी घोष इज द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इज प्रवीण राव अनुराग श्रीवास्तव टेक्स चार्ज एज एम ई ए स्पोक्स पर्सन एम ई ए स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनके जो पहले स्पोक्स पर्सन थे वो थे रवीश कुमार इनको आपने बहुत बार टी वी पर देखा होगा सो नाउ हिज चार्ज हैज़ बीन टेकन ओवर बाई अनुराग श्रीवास्तव ओके अपार्ट फ्रॉम दिस पहले ये इंडिया के एम्बेसडर थे टू इथियोपिया सो so, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो नए स्पोक्स पर्सन हैं एम e. के वो पहले किस कंट्री के लिए इंडिया के एम्बेसडर थे तो वो थे इथियोपिया के अपार्ट फ्रॉम दिस एस जयशंकर जो हैं वो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं और यू कैन से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स आजकल क्वेश्चन यहाँ से भी आने लगे हैं सो ही इज वी मुरली धरन ओके ये केरला से हैं नेक्स्ट है महाप्रसाद अधिकारी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ नेपाल सेंट्रल बैंक सो जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आर सिमिलरली नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है नेपाल सेंट्रल बैंक इसके गवर्नर अपॉइंट करे हैं महाप्रसाद अधिकारी ओके okay? आगे देखते हैं भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स पराग राजा एज एम डी एंड सी ई सो भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया है पराग राजा को ओके okay? ये किसको सक्सीड करेंगे सो so, विकास सेठ को ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यू जस्ट हैव टू रिमेंबर भारतीय अक्सर लाइफ इंश्योरेंस के नए एम बने हैं पराग राजा अब जनरली क्या होता है बैंकिंग एग्जाम्स में दे मे बी केस के ऐसे क्वेश्चन ना आए बट इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इंश्योरेंस एग्जाम्स एग्जामीज क्वेश्चन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विच आर रिलेटेड टू सर्ट इंश्योरेंस कंपनीज दे मे बी इन द प्राइवेट सेक्टर और दे मे बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर ओके इसके अलावा क्या होता है ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जब भी कोई नया एम डी सीईओ सी ई बनता है इंश्योरेंस कंपनीज में तो उसको अप्रूवल मिलता है एड से ओके और एड का हेड क्वार्टर है आपका हैदराबाद में नेक्स्ट है ऋषिकेश टी कृष्णन अपॉइंटेड एज आई आई एम बैंगलोर नेक्स्ट डिरेक्ट सो आई आई एम ए बी सी दीज थ्री आर द मोस्ट रेप्यूटेटेड वंस और इनका अगर कोई नया डायरेक्टर बनता है या इनसे रिलेटेड कोई नया अपॉइंटमेंट है विच इज ऑफ द हाइएस्ट लेवल देन ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ओके सो ऋषिकेश टी कृष्णन पूरा याद मत रखना सिर्फ ऋषि भी आप ध्यान रखोगे तो उतना हो जाएगा बाकी ऑप्शन में यू कैन एलिमिनेट सो ऋषिकेश टी कृष्णन ये बने हैं आई आई एम बैंगलोर के नए डायरेक्टर नेक्स्ट है इफको टोक्यो इंश्योरेंस नीम्स अनामिका रॉय राष्ट्रवार एज एम डी एन सी यू सो इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने अपना नया एम डी एन सी बनाया है अनामिका रॉय को जस्ट रिमेंबर द नेम अनामिका और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर राष्ट्रवार क्योंकि कभी कभार क्या होता है नेम का वो एक्रोनिम कर देते हैं और सरनेम पूरा देते हैं जैसे ए आर राष्ट्रवार दिस में ऑल्सो बी द केस ओके सो इसको आप ध्यान रखना राष्ट्रवार रिलेटेड टू इफको टोक्यो राइट इसके अलावा भारतीय अक्सर लाइफ इंश्योरेंस के नए एम डी सी ई बने हैं पराग राजा सो so, भारती राजा यू कैन रिलेट इन दिस वे कि भारत जो है वो दुनिया का राजा हो जाएगा सो so, इस तरीके से याद करना भारती राजा ओके एंड नेक्स्ट इज इफको राष्ट्रवार टाटा कैपिटल अनाउंसेज द एलिवेशन ऑफ सरोज अमारिया टू मैनेजिंग डायरेक्टर सो ये ध्यान नहीं रखना है कि पहले कौन से पोस्ट पे थे वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि टाटा कैपिटल लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और ये फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है ठीक है सो टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के एम नए एम बने हैं सरोश अमारिया टाटा कैपिटल के सरोज अमारिया अनामिका रॉय राष्ट्रवार बनी है इफको टोक्यो की इसके अलावा पराग राजा बने हैं भारतीय अक्सा के सो so, जब भी आप कोई एक अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हो तो बाकी के जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं ना उनको रिवाइज कर लो जो कि उसी सेक्टर के हैं इससे क्या होगा आपका कॉन्टीन्यूस रिविजन होगा और आप चीज़ों को भूलोगे नहीं नेक्स्ट है एस सी एक्सटेंस टेनियर ऑफ़ टी डी एस ए टी चेयरपर्सन जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह सो देखते हैं टी डी एस ए टी क्या है इट इज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल सो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के जिस भी सेक्टर के लिए डेडिकेटेड हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट को ये सुनते हैं सुनाओ अब जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है इसके चेयरपर्सन थे शिवा कीर्ति सिंह इनके टर्म को एक्सटेंड करा है किसने सुप्रीम कोर्ट ने ओके एमएस महाबलेश्वर रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक फॉर थ्री इयर्स सो एमएस महाबलेश्वर जो है ये कर्नाटका बैंक के पहले से ही एमडी एंड सीईओ थे और अब इनका जो टर्म है वो तीन साल के लिए और बढ़ा दिया गया है नाउ हेयर यू कैन सी प्राइवेट सेक्टर लेंडर कर्नाटक बैंक रिसीव्ड आरबीआई नोट सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब किसी एम डी एन सी ई को अपॉइंट करना है या फिर रीअपॉइंट करना है तो बैंक्स को जरूरत होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन की ओके okay? इसी तरीके से अगर यही सेम केस होता है इंश्योरेंस कंपनी का देन इट आई वुट कम इन टू प्ले अपार्ट फ्रॉम दिस कर्नाटका बैंक का, का हेड क्वार्टर है आपका मैंगलोर कर्नाटका में सो डोंट कन्फ्यूज बैंगलोर एंड मैंगलोर ये मैंगलोर में है ओके okay? नेक्स्ट है यहाँ की टैगलाइन क्या है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया सो केयर रेटिंग्स ने अपना नया एम डी एन सी ई बनाया है अजय महाजन को ओके okay? यहाँ पर आप देखिए केयर रेटिंग्स का जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है आंध्र बैंक सिंडिकेट बैंक चीफ्स अपॉइंटेड एज ओ एस डी इन डिफरेंट बैंक अब देखिए बैंक का मर्ज हुआ है पहले क्या था सिंडिकेट बैंक वॉज अ सेपरेट एंटिटी और कैनरा बैंक वॉज अ सेपरेट एंटिटी अब जब ये दोनों मर्ज हुए तो एक ही बैंक के दो दो एम और सी तो नहीं हो सकते हैं सो so, इसलिए अब जो बैंक्स जो मर्ज हो गए हैं जैसे सिंडिकेट है आंध्रा है तो उनके जो हेड्स थे ये लिखा है ना चीफ सो so, उनको क्या किया है अलग अलग बैंक्स में ओ के पोस्ट पे उन लोगों को अपॉइंट करा है ओ का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राइट नेक्स्ट देखते हैं पेटीएम General Insurance नेम्स विनीत अरोरा एज एम डी एन सी सो देखो पेटीएम ऐसा नहीं है कि एंटायर पेटीएम का इनको बना दिया गया है पेटीएम की अलग अलग सब्सिडियरी हैं सो जनरल इंश्योरेंस वाला जो सब्सिडियरी है उसके एम डी एन सी ई बने हैं विनीत अरोरा पराग राजा बने हैं भारतीय अक्सर लाइफ इंश्योरेंस के अपार्ट फ्रॉम दिस अनामिका रॉय राष्ट्रवार बनी है टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की सो so, इस तरीके से रिलेट करते चलो आप नहीं बोलोगे आई कैन अटोर यू नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है आई डब्ल्यू एफ प्रेसिडेंट अजान इनका पूरा नाम है तमस अजान आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट इन करेक्टली बट इट्स फाइन वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम अजान और तमस अजान रिजाइन्स ट्यूरिंग करप्शन इन्वेस्टिगेशन सो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है इनके जो हेड हैं या इनके जो प्रेसिडेंट हैं

इनके सेक्रेटरी अपॉइंट करा गया है कपिल देव त्रिपाठी को सो so, ग्रीम स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कैप्टन थे उनको साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने वहां का डायरेक्टर बनाया है ओके okay? ये ध्यान रखना अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीम स्मिथ वॉज दी ओनली प्लेयर और यू कैन से ही इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने 100 टेस्ट मैच में कैप्टनसी करी है इसके अलावा कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं है इन वर्ल्ड जिन्होंने 100 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करी हो सो so, ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कौन से टीम के लिए खेलते थे या किस कंट्री के हैं सो साउथ अफ्रीका के आर बी आई गिव्स नॉट टू कमा कोडीज़ री अपॉइंटमेंट एज एम डी एन सी ऑफ सिटी यूनियन बैंक सो अभी हमने पढ़ा था कि कर्नाटका बैंक में जो एम एस महाबलेश्वर है उनका तीन साल के लिए टेन एक्सटेंड कर दिया गया है एज एम डी एन सी सिमिलरली कमा कोडी इनका पूरा नाम है एन कमा कोडी इनको एम डी एन सी ई सिटी यूनियन बैंक का री अपॉइंट करा है फॉर थ्री ईयर्स और अगेन इसके लिए परमिशन दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट है इम्फोसिस अपॉइंट्स उरी लेवाइन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इम्फोसिस विच इज़ अ कंपनी फ्रॉम इंडिया इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करा है यूरी लेवाइन को हुवाई इंडिया अपॉइंट्स डेविड ली एज न्यू सी ई सो इट्स अ कंपनी फ्रॉम चाइना और इन्होंने अपना इंडिया का यानी कि ऐसा नहीं कि ओवरऑल पूरी कंपनी का सीईओ ई अपॉइंट करा है सिर्फ जो इसकी इंडियन सब्सिडियरी है हवाई इंडिया की उसका नया सी ई अपॉइंट करा है डेविड ली को नेक्स्ट है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट जस्टिस विश्वनाथ सोमाधर न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट सो मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस विश्वनाथ सोमाधर ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जस्टिस मोहम्मद रफीक इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है उड़ीसा कोर्ट का सो so, दोनों ध्यान रखने हैं जस्टिस विश्वनाथ बने हैं मेघालय हाई कोर्ट के और जस्टिस मोहम्मद रफीक बने हैं उड़ीसा कोर्ट के नेक्स्ट हम देखते हैं शिवदास मीना टेक्स चार्ज एज हुदको सी एम का फुल फॉर्म क्या होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जरूर ध्यान रखना फुल फॉर्म भी आ सकता है कि वॉट डज सी स्टैंड फॉर एन हुदको ओके सो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके नए सीएमडी बने हैं शिवदास मीना और हुदको का आपका हेडक्वाटर कहाँ है सो so ये है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक अपॉइंट्स न्यू सीएफओ सीएफओ ओ एफ ओ फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए सी बने हैं सत्यनारायण गुप्ता ओके okay? और यहाँ के सी एम डी हैं आर के छिब्बर सो ये हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज नेम्स नेक्स्ट है आपका आई आई एम ए इट स्टैंडस फॉर इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और ये एक तरीके से जो भी मोटरसाइकिल या फिर बाइक इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है या उसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सो so, इसके प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के राकेश शर्मा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट संजय कोठारी टेक्स ओवर एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सो सी वी सी जो होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ अवर कंट्री सो ये बने हैं संजय कोठारी सो so, ये बने हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर ओके और इनकी जो ओथ है वो किसने एडमिनिस्टर करी सो so, ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने टी एस त्रिमूर्ति टू सक्सीड अकबरउद्दीन एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यू एन ही वॉज वेरी इलोक्वेंट आपने भी इनके स्पीचेस सुने होंगे सैयद अकबर उद्दीन के यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट अगर नहीं देखे देन यू मस्ट वॉच एटलीस्ट वन ऑफ इज स्पीच इन यू एन एंड यू वुड रियली लाइक दैट ओके सो so, अब क्या है कि इनको रिप्लेस किया है टी एस त्रिमूर्ति ने और ये क्या होंगे अब इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस ही विल बी द ट्वेंटी सेकेंड पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव तो ये भी ध्यान रखना नेक्स्ट है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार अपॉइंटेड एज पी चीफ पी का मतलब होता है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड सो पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के नए प्रेसिडेंट बनेंगे नए चेयरपर्सन और यू कैन से नए चीफ बनेंगे राजीव कुमार ओके सुरेश एन पटेल टेक्स होथ एज विजिलेंस कमिश्नर देखिए एक तो पोस्ट होती है सीवीसी की चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो कि अभी हमारे बने हैं संजय कोठारी इसके अलावा दो विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं ठीक है सेम इसी तरीके से आपका जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर सो यहाँ पे एक और विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करा है जो है सुरेश एन पटेल सो डोंट कंफ्यूज, सीवीसी बने हैं संजय कोठारी और विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल नेक्स्ट है फॉर्मर कर्नाटका बैट्समैन जे अरुण कुमार नेमड एज यू नेशनल टीम कोच सो so यू की जो नेशनल टीम है नेशनल क्रिकेट टीम है इसके कोच बनाए गए हैं जे अरुण कुमार और ये कर्नाटका की तरफ से पहले खेलते थे ओके गाइस सो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इंडियन एन जी ओ अरमान विन्स प्रेस्टिजियस यूएसडी वन पॉइंट फाइव मिलियन स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल ऑन्ट्रप्रोन्योरशिप सो सोशल ऑन्ट्रप्रिनोरशिप के लिए इंडिया के एक एन जी ओ को सम्मानित किया है और इसका नाम है अरमान एन जी ओ मुंबई बेस्ड एन जी ओ है ये ठीक है ये किस फील्ड में काम करता है वो भी देख लेते हैं फॉर इट्स वर्क इन द मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस इन इंडिया नेक्स्ट है टाटा पावर बैग्स एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन सो एडिसन अवार्ड विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस वन और ये जो साइंटिस्ट थे थॉमस अल्फा एडिसन उनके नाम पर रखा गया है इसमें देखिए कई अलग अलग कैटेगरीज होती हैं सो सोशल इनोवेशन कैटेगरी में टाटा पावर को इसमें अवार्ड दिया गया है और इनका कौन सा कैंपेन था जिसके चलते इनको अवार्ड मिला है सो so वो था क्लब एनर्जी हैश टैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन सो कैंपेन का नाम भी ध्यान रखना ऐसे पूछ सकते हैं कि ये कैंपेन किस कंपनी uh, ने शुरू किया है सो इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय टाटा पावर इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन ट्वेंटी सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट अरेबिक फ़िक्शन में इंटरनेशनली रिकोगनाइज किस वर्क को करा है सो so, ये है आपका नावल है द स्पार्टन कोट और ये लिखी है अल्जीरिया के एक राइटर ने इनका नाम द मे बी द केस कि मैं इसको ठीक से ना प्रोनाउंस कर पाऊँ आप भी सिर्फ याद रख लेना मतलब देख लो स्पेलिंग इस ऑप्शन इसी तरीके का एक ही होगा ऐप दे लुहा ऐसा वोई ठीक है इसके अलावा ये पहले व्यक्ति हैं अल्जीरिया से जिनको ये अवार्ड मिला है सो so, ये भी ध्यान रखना कि इनकी कंट्री कौन सी है ठीक है अरेबिक फिक्शन द स्पार्टन कोट अब्देलोह और फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अलजीरिया दीज आर द फोर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट है मेरियॉन हॉलेंस इलेक्टेड टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लास ऑफ गोल्फ हॉल ऑफ फेम सो गोल्फ ऑल ऑफ फेम में लास्ट ईयर शामिल करा था टाइगर वुड्स को और इस बार शामिल करा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मेरियॉन हॉलिस् को ओके सो नाओ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज यू एस अप्रूव सेल ऑफ मिसाइल टपीडोजन फिफ्टी फाइव मिलियन डॉलर टू इंडिया सो अब जो यूएसए है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इसने अग्री करा है कि दे सेल इंडिया एंड टॉर्पीडोज ओके यहाँ पर आप देखो इसका नाम दिया है हार्पोन एयर लॉन्च मिसाइल्स एंड लाइट वेट टॉर्पीडोज और इसके लिए इंडिया विल पे यू एस ए वन फिफ्टी फाइव मिलियन डॉलर राइट नेक्स्ट है नूर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नूर Iran's first military satellite launched successfully. So even after so many sanctions from USA, इसके बाद भी ईरान ने अपना पहला मिलेट्री सेटेलाइट जो है ये सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है और इसका नाम है नूर ओके सो नाउ वील डिस्कस इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स ये आप लोगों का आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है सो so एक इटालियन राइटर हैं पाओलो जियरदानो इन्होंने एक बुक लिखी है हाउ कॉन्टाजियन वर्क्स ठीक है ये ग्लोबल क्राइसिस अभी जो पैंडमिक चल रहा है कोविड से रिलेटेड उसी के बारे में है देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू साइंस अवेयरनेस कम्युनिटी विच बीन डिस्कस्ड इन दिस बुक ओके सो नाम क्या है हाउ कॉन्टाजियन वर्कस कोबे ब्राइन द वाइज नाट सीरीज सीजन वन टू तो डेब्यू नंबर वन और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलरलिस्ट सो so, ये जो इनकी सीरीज थी कोबे ब्राइन के ऊपर इसने न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर का जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट स्थान हासिल करा है राइट right? इसके अलावा एक और बुक है आप यहाँ पर देखो इस बुक को लिखा है कोबे ब्राइन ने ये जरूर ध्यान रखना द Mamba Mentality, हाउ आई प्ले राइट नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ आर डील दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द आर्ट ऑफ आर डील ये किसके बारे में बुक है किसके ऊपर लिखी है किस पर्सनैलिटी के ऊपर लिखी है तो so ये लिखी है मेलानिया ट्रम्प के बारे में

इसके अलावा नेक्स्ट है बुक ऑन चरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट विंस विलियम ई कॉलबी अवार्ड सो ये जो प्लेस है ये यूक्रेन में है जब यूएसएसआर था तब यहाँ पर चरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरा जो एरिया था बहुत सारे लोगों की जाने चली गई पूरा एरिया एकदम बंजर पड़ा है अभी भी इफ़ यू वांट यू कैन सी लाइक डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दिस वन सो इसके ऊपर जो बुक अभी लिखी गई थी इसको मिला है विलियम ई कॉलबी अवार्ड एंड हुआ रिटन दिस बुक

So पर्सनालिटी ने यूनिसेफ के साथ में अवेयरनेस फैलाने का काम किया है कोरोना वायरस के बारे में तो वो करा है मनुषी चिल्लर ने यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंट और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में पहली जेनर इज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलेनियर और सेकेंड टाइम इन रोम तो लगातार दूसरी बार ये बनी है यंगेस्ट बिलेनियर टाइली जेनर नेक्स्ट है नेशन रिमेम्बर्स डॉक्टर भीम राव एनिवर्सरी सो देखिए जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनकी आपसे एनिवर्सरी पूछी जा सकती है पहले तो डेट आपसे पूछ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ये कौन से नंबर का था तो वन ट्वेंटी नाइन्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही वॉज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर

अपार्ट फ्रॉम दिस फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है सो इट्स इन लॉस एन स्विटरलैंड यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट इंडियन अमेरिकन सुदर्शनम बाबू टू कंट्रीज टॉप साइंस बोर्ड सो अमेरिकन साइंस बोर्ड में अभी ट्रंप जो है यूएसए का प्रेसिडेंट उन्होंने अपॉइंट करा है इंडियन अमेरिकन सुदर्शन बाबू को तो नाम ध्यान रखना है इनका यूएसए के साइंटिस्ट बोर्ड में ये शामिल हुआ है ऐसा होने वाले यानी कि यूएसए के बोर्ड में शामिल होने वाले ये तीसरे इंडियन अमेरिकन

नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक एन्वायरमेंट का न्यूज है इम्पोर्टेंट और फिर कुछ एप्स एंड पोर्टल्स के बारे में अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ वेनमस स्नेक इन अरुणाचल प्रदेश एंड नेम्ड इज ट्राइमेसरस सेलाजार सो एक नई स्पीशीज मिली है सांप की वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो पक्के टाइगर रिजर्व है वहां पर ये मिली है और इसको नाम दिया है ट्राइमेसरस सेलेजर So, ये दोनों तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि कहाँ मिला है अरुणाचल में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से प्रदेश में है सो इट्स इन अरुणाचल नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इन इंडिया एक नया पोर्टल शुरू करा है गवर्नमेंट ने इसमें जो भी फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस उनके लिए शुरू करा है और इसका नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया गवर्नमेंट लॉन्चेस ऑफिशियल कोविड नाइनटीन ट्रैकिंग ऐप सो so, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक कोविड नाइनटीन के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रैकिंग का एक ऐप शुरू करा है और इसका नाम है आरोग्य सेतु इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और ये ऐप ग्यारह लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा राइट नेक्स्ट है सेंटर लॉन्चेस लर्निंग प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट कोविड नाइनटीन सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म शुरू करा है टू कॉम्बैट कोविड नाइनटीन फॉर ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स टू ट्रेन देम उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है और इस ऐप का नाम है या इस पोर्टल का नाम है आई गॉट प्लेटफॉर्म नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट लॉन्चेस कोरोना सहायता ऐप सो देखिए कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग स्टेट्स ने कुछ अलग अलग एप्स लॉन्च करे हैं कोई एप्स हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए कोई टारगेट कर रही है फार्मर्स को कुछ जो ऐप है या कुछ जो पोर्टल है वो टारगेट करके बनाए गए हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स को सो so, बिहार गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करा है कोरोना सहायता ऐप इसके थ्रू जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एक हजार रुपये प्रोवाइड करे जाएंगे राइट एच आर डी मिनिस्टर लॉन्च युक्ति इन न्यू डेली सो एच आर डी मिनिस्टर हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इन्होंने एक लॉन्च करा और इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है युक्ति इसके थ्रू क्या किया जाएगा जो भी एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स ले रहा है एम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसके बारे में मॉनिटरिंग होगी और और उसके रिकॉर्ड्स इसमें रखे जाएंगे अब देखिए युक्ति का फुल फॉर्म क्या है ये भी आ सकता है एग्जाम्स में यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ए आई सी टी ई लॉन्चेस इ लर्निंग पोर्टल एलिस इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म एक ई पोर्टल लॉन्च करा है ए आई सी टी ई ने इसका नाम है एलिस एलिस स्टैंड फॉर एनहेंसमेंट इन लर्निंग विमाम है एनहेंसमेंट इन लर्निंग विथ इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स की स्किल्स को भी बढ़ावा देना है और जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी या लर्निंग कैपेबिलिटी है इसको भी एनहेंस करना है और ये पोर्टल लॉन्च करा है ए ने नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ लॉन्च सी जी हार्ट वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एसेंशियल डिलीवरी तो अभी हमने बिहार का एक पढ़ा था कोरोना सहायता ऐप लॉन्च करी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करा है ऐप जिसका नाम है सी जी हार्ट ओके इट्स अ वेबसाइट और इसमें ऑनलाइन हम जो भी हमारी इसेंशियल चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस वो अवेलेबल कराई जाएंगी Like fruits and vegetables वगैरह during lockdown, okay? CG heart. India's Arogya Setu becomes world's fastest app to reach 50 million downloads in mere 13 days. So Arogya Setu जो app है, ये भी हमने ऊपर देखा था, Meta ने इसको develop करा है और ये 11 languages में available है. अब ये दुनिया का सबसे तेज़ी से download करा जाने वाला app बना है. 50 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं सिर्फ 13 दिनों में नेक्स्ट है किसान रथ ऐप लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू हेल्प फार्मर्स ट्रेडर्स टू कनेक्ट विद ट्रांसपोर्टर्स तो किसान रथ ऐप जो है वो लॉन्च करी है किसने करी है सो so ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इससे फार्मर्स और ट्रेडर्स को हेल्प मिलेगी कि वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ में कनेक्ट कर सके ओके

जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ में यहाँ डिस्कस करी हैं वीडियोस के थ्रू वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी